हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आशा करते हैं काफ़ी ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज हमारे को सीखने वाला कुछ इस प्रकार पर आप फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस को स्मूथ करना एंड फेस को गोरा करना, ठीक है भाई? अगर भाई कुछ सिखाएगा बहुत ही कम समय में कुछ इस प्रकार फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस एंड स्मूथ फोटो एडिटिंग। आपका भाई इस वीडियो में कोई भी प्रीसेट का यूज नहीं किया, ठीक है? ओनली मैं बिना प्रीसेट का आपका भाई बनाकर दिखाया कुछ इस प्रकार फुल एचडी हाई क्वालिटी फेस को स्मूथ करना। और साथ ही साथ आपको भाई बताने वाला है कुछ इस टाइप का लोग बैकग्राउंड एडिटिंग कैसे करें पूरा फुल एचडी हाई क्वालिटी। इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बिना देखो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट की रिक्वेस्ट है, मैच बनाया था हाई रिक्वेस्ट है, मैच दबा दें ताकि मेरा हर पर आगे पहुंचे। चलो फ्रेंड्स, बिना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करना है, ओरिजिनल पिक्चर सेलेक्ट करने ना, ठीक है? इसको सेलेक्ट करना है, क्या करना है, सेल ऑप्शन नंबर टाइप करके इस फोटो को शेयर कर देते हैं फाइनली यहाँ पर लाइटरूम वाले एप्लीकेशन में। यहाँ पर फाइनली आपको शेयर कर देना है लाइटरूम वाले एप्लीकेशन में। क्या करें, ऊपर में आप लोग एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इस पर हम लोग टाइप कर देंगे, ठीक है? टाइप करने वाला क्या है, आप लोग को ऑल फोटो के ऊपर हम लोग टाइप कर देना है। ऑल फोटो पर टाइप करने वाला क्या करें, इस फोटो को हम लोग क्लिक कर लेना है। इतना काम होने वाला क्या करना है, नीचे वाला दिखाई देगा लाइट वाला ऑप्शन, अब हम लाइट मोड टाइप कर देना है। लाइट मोड टाइप करेंगे सर, जब लाइट मोड टाइप एक्सपोजर को हम यहाँ प्लस कर लेंगे, ठीक है? और वाइट को यहाँ पर 20% यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे और ब्रेथ को 10% यहाँ पर माइनस कर लेंगे। इतना काम हम लोग क्या करें, चले जाएंगे कलर पे, कलर पर यहाँ पर मिक्स पर हम लोग क्लिक कर देना है गाइस। मिक्स पर चले जाएंगे और हरा को यहाँ माइनस कर लेंगे और पीला को भी ऐसे माइनस कर लेंगे, यहाँ पर ब्लू को भी यहाँ पर माइनस कर लेंगे। इतना काम हम लोग आ जाएंगे दो नंबर पर, इसको थोड़ा माइनस करके 10% तक और इसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर 50 तक यहाँ पर प्लस कर लेंगे। चले जाएंगे यहाँ पर रेड पर एक नंबर पर गाइस, इसको थोड़ा अलग से माइनस करके और इसको थोड़ा प्लस करके और इसको थोड़ा प्लस कर देंगे। इतना काम कंप्लीट नंबर देख लीजिए भाई, यहाँ देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। इतना काम कंप्लीट हो चुके, अब हम लोग क्या करना है, इसको आ जाना इफेक्ट, ठीक है? इफेक्ट्स का ऑप्शन हम लोग इन्हें क्लिक कर देना है, करना है क्लियरिटी को इंक्रीज कर लेंगे। इतना हम लोग क्या है, चले जाएंगे डिटेल्स ऑप्शन पे, इसको 70% यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है गाइस, ठीक है? और इसको थोड़ा माइनस कर लेंगे और इसको 10% यहाँ पर प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस कर लेंगे गाइस, ठीक है? और इसको 50% और इसको दोनों को 100% कर देना है और इसको दोनों को हमको ऑन कर देना है। इतना काम कंप्लीट होने में क्या करना है, इस फोटो में फाइनली यहाँ पर शेयर ऊपर टाइप करके इस पर हम शेयर कर लेंगे स्नैपशॉट एप्लीकेशन गाइस। अब लोग क्या करना है, आप लोग स्टेप बाई स्टेप आप लोग फॉलो करना है, तो लोग समझ में आएगा गाइस। तो क्या करें, फाइनली यहाँ पर शेयर कर देंगे यहाँ पर स्नैपशॉट एप्लीकेशन गाइस। इसमें हम लोग क्या करना है, टूल्स पर हम लोग क्लिक कर देना है, सिलेक्ट वाले टूल्स हम लोग टाइप करना है। इसमें जैसे हम लोग टाइप करेंगे तो क्या करें, फोटो को हल्का से जूम कर लेंगे, जहाँ ब्लैक होता है ऐसे छोड़ देंगे, जैसे छोड़ने के इसको हम लोग प्लस करके और इसको थोड़ा माइनस कर लेंगे। आप लोग जहाँ जहाँ ब्लैक दिखाई देना अपने फोटो में, तो क्या इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ के इसको हम लोग प्लस करके देंगे और इसको थोड़ा माइनस कर देंगे। और भी यहाँ पर ब्लैक है तो क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस करके इसको ब्लैक है तो इसको हम लोग प्लस करके और इसको थोड़ा माइनस कर देंगे। इतना काम कंप्लीट हो गया, फिर टूल्स पर जाएंगे, अब चले जाएंगे डिटेल्स ऑप्शन पे, पर ध्यान से रहेगा इस डिटेल्स पर जाएंगे, ऊपर में स्क्रॉल करके हम लोग इसको 50% इंक्रीज कर लेंगे। इतना करने और क्या करेंगे, फिर टूल्स पर जाएंगे, अब HDR आप लोग दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग टाइप कर देना है। इस पर टाइप करने क्या करना है, इसको 100% कर देना है, इसको थोड़ा माइनस कर लेंगे और इसको थोड़ा प्लस कर लेंगे 30% तक। इतना काम कंप्लीट होने आपको, आपको दिमाग में यही चल रहा होगा इस मेरा फेस ख़राब हो गया, पर ऐसा बात नहीं है, आपको ध्यान से समझना मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। ऊपर में आप लोग इस पर लोग टाइप कर देना है गाइस, इसमें कर क्या करें, यहाँ पर व्यू रेट आप लोग दिखाई दे रहा होगा, इस यहाँ पर व्यू रेट पर हम लोग टाइप कर देंगे। इस पर टाइप करने क्या करना है, जितने एक उनको बैकग्राउंड पर चाहिएगा इस, ठीक है? क्यों हम बैकग्राउंड पर चाहिए थे कितना, हम फेस पे क्या करें, फोटो जूम करके यहाँ पर फेस पे हम लोग हटा लेंगे, जितने भी आप फेस पे आप लोग दिखाई दे रहे हैं इस फेस पर क्यों आप बैकग्राउंड पर चाहिए ना, जितने पर मेरा फेस वेयर पर आया है क्या करें, इसको ऐसे से रिमूव कर लेंगे, ऐसे से हम आराम आराम से हम ऐसे से रिमूव कर लेंगे, केवल हमको बैकग्राउंड पर चाहिए गाइस। तो क्या करेंगे, जो बाहरी पार्ट आया है ऐसे हम रिमूव कर लेंगे। इतना काम कंप्लीट होने वाले क्या करेंगे, यहाँ पर बैक आ जाएंगे, देखिए बिफोर एंड आफ्टर मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाला आप लोग दिखाई दे रहा होगा शेयर ऑप्शन, ऊपर वाला शेयर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हम शेयर कर लेंगे डायरेक्ट पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन गाइस, इसमें हम शेयर कर देंगे पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में। इसमें हम लोग क्या करना है,
चला जाना एफएक्स वाला ऑप्शन पे, और ध्यान सुन लीजिएगा गाइस, चला जाना एफएक्स वाला ऑप्शन पे। जाने के बाद क्या करेंगे, साइड में स्क्रॉल करते जाएंगे करते जाएंगे, आप लोगों ए वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर टाइप कर देना है। जैसे आप इस पर टाइप करेंगे तो आप फेडरल लोन दिखाई देगा, आप फेडरल लोन में टाइप कर देना है। इस पर टाइप करने में क्या करेंगे, दो नंबर पर चले जाना है गाइस, इसको थोड़ा माइनस कर देना है। माइनस में क्या करेंगे, ऊपर में दिखाया जाएगा इरेजल ऑप्शन, इसमें टाइप करके इसको हम बैकग्राउंड पे ऐसा सेलेक्ट कर लेना है गाइस। जैसे मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करें, मेरा ओवन के मेरा बैकग्राउंड इतना बन के रेडी हो चुका है, देख लीजिए पर इतना कंप्लीट हो चुका है। अब इतना काम करने क्या, इसको हम डन कर देंगे। डन करने क्या, फिर जाएंगे एफएक्स ऑप्शन पे और साइड में स्क्रॉल करके दिखाई दे रहा ब्लर, ठीक है। हम लोग ब्लर ऑप्शन हम लोग टाइप करके क्या हम लोग बैकग्राउंड को ब्लर करेंगे। तो इसके हम क्या करना, ऊपर टाइप करेंगे इरेजल ऑप्शन पे, इसको हम बैकग्राउंड को ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे एक बार और। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा मेरा वन के में मेरा ब्लरिंग हो गया, देख लीजिए पूरा फुल एच डी हाई क्वालिटी। इसको क्या, इसको हल्का सा कम कर दूँगा गाइस, इसको हल्का सा ऐसे कम कर देंगे यहाँ पर, इसको हम हल्का सा बढ़ाई नहीं है 10% यहाँ पर कर लेते हैं गाइस। इतना काम हम लोग देखिए बिफोर एंड आफ्टर गाइस, हम लोग क्या करना है, अब पीएनजी पैक हम लोग ऐड करना है एंड लाइट को हम लोग ऐड करना है। इसको हम क्या करना है, चले जाएंगे ऐड फोटो में गाइस, ऐड फोटो में हम क्या करना है, पीएनजी पैक हम लोग ढूंढ लेते हैं गाइस। दो पीएनजी मिल गया, एक और है पीएनजी हमको मिल गया, ठीक है। सर क्या करना है, हम लोग इस पीएनजी को यहाँ पर ऐड करना है गाइस, हम लोग इस वाला पीएनजी को हमको ऐड करना है, मस्ट मोटा वांडर। यहाँ पर ब्लेंड पर क्लिक किया, हम लोग स्किन करके इतना हम लोग जूम कर देना है गाइस, ठीक है। इतना हम लोग इसको हम लोग इतना एडजस्ट कर लें, ठीक है। इतना काम हम लोग इस पर हम चले जाएंगे रेड लाइट पर, ब्लेंड पर जाएंगे स्किन कर दें, स्किन नहीं करेंगे यहाँ पर लाइट कर देते गाइस, ठीक है। और लाइट करके इसको हम लोग एक यहाँ लगा लेंगे, एक डुप्लीकेट लेयर लेके यहाँ पर एक साइड में ऐसा हम लगा लेंगे। इतना काम हम लोग इसको हम डन करेंगे गाइस, इसको क्या, इसको ऊपर में आप लोग सेव वाला ऑप्शन दिखाई रहेगा, इसको टाइप इसको हम फोटो में सेव कर लेंगे गाइस। इतना करने में क्या, चले जाएंगे गैलरी में, गैलरी में देखिए मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, सॉरी गाइस मेरा इतना काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और बाकी क्या हो गया, फेस को स्मूथ करना, इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इस फोटो में शेयर कर लेंगे फाइनली स्केच बुक अप्लीकेशन में। तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हम शेयर कर लेंगे स्केच बुक अप्लीकेशन में गाइस। इसके लिए आगे में हम लोग क्या करना है, पहले इस वाले फोटो को डिलीट कर देते हैं गाइस, ऐसे वो डिलीट कर देते हैं। आ जाएंगे फाइनली हम ब्रश वाला ऑप्शन पे, इसमें टाइप करेंगे, इसमें टाइप कर लेंगे, नीचे में आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आप लोग एक ब्रश दिखाई देगा गाइस, ये वाला, ठीक है। इसमें टाइप कर लेंगे, इसमें टाइप करना क्या, ये वाला जिसको हम लोग सेटिंग वगैरह देख लेते हैं, इसलिए ऊपर में ऐसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको फॉलो के यहाँ पर 2% और एस्टिमेट आप लोग 10% पर रख लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीन शॉट भी कर सकते हैं ताकि आप भूल ना पाए। फोटो को हल्का सा जूम करेंगे और साइज़ को छोटा करेंगे, आप लोग ऐसे ऐसे ब्रश को चलाइएगा, देख मेरा कितना फाइन मेरा फेस स्मूथ हो रहा है पूरा बवाल तरीके से। तो क्या करना है, आपको हल्का हल्का हाथों से आप लोग फेस को स्मूथ करना है, जितने आप आराम आराम फेस को स्मूथ करेंगे उतने आप लोग बवाल तरीके फेस स्मूथ होगा, देख भाई कैसे फेस को स्मूथ कर रहे हैं। मतलब क्या करना, आराम आराम से आप लोग सेम प्रोसेस करके अपने फेस को स्मूथ कर लीजिएगा इस यहाँ पर, जितनी जल्दबाजी करेंगे ना आप लोग फेस स्मूथ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना, आप जल्दबाजी नहीं करना, आराम आराम से हल्के हाथों से आप लोग फेस को स्मूथ करना है। देखिए भाई कैसे कैसे फेस को स्मूथ कर रहे हैं, आप लोग क्या करना, सेम प्रोसेस करना है, ऐसा आप लोग ऐसे ऐसा फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। बहुत बार कमेंट करते, जब भी मैं फेस को स्मूथ करना चाहता हूँ तो ब्रेक बेस आप लोग देखने को मिल जाता है, पर ऐसे बात नहीं है भाई, जितने लोग आराम आराम से फेस को स्मूथ करेंगे ना और उतने आप लोग बवाल देखा तो फेस स्मूथ होगा। देख रहे भाई कैसे कैसे फेस को स्मूथ कर रहा है, और सेम प्रोसेस करके आप फेस को स्मूथ कर लीजिएगा। आप क्या करना, आप आराम आराम से आपको क्या नोज पे आराम से हम लोग ऐसे से चलाना है गाइस, ठीक है, ऐसे से आराम आराम से चलाना है ताकि मैं अपना ब्रेक बेस आप लोग देखने में ना मिले। लेकिन मैं फाइनली मेरा जैसे मैं थंबनेल दिखा दूँ उससे मैं फेस फोटो एडिटिंग करके दिखा दिया हूँ। ऐसा करता हूँ वीडियो का अगर पसंद आया तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल से जरूर करें ताकि मेरा हर एक मेरा फिर आनंद पहुंचे। चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक, बोलिए बाय बाय।